नमस्ते दोस्तों। दोस्तों ये जो इंजन आप देख रहे हैं MK12 इंजन, इसका इंजन हाई स्पीड हो गया है। हाई स्पीड तो हो गया है, हम तो हाई स्पीड अगर हो गया है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, और बटरफ्लाई उसका उड़ गया है वो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसका बटरफ्लाई निकलता ही नहीं। उसका जो बटरफ्लाई का जो प्लेट है वो इंजन के अंदर चला गया है, वो निकलता ही नहीं। अगर निकलेगा नहीं तो हम नया भी नहीं लगा सकते, अगर नया लगाएंगे भी तो भी वो बाद में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इंजन के अंदर अगर वो हेड के अंदर चला जाएगा तो हेड को तो डैमेज कर देगा, और पिस्टन को डैमेज कर देगा, और वाल्व को भी डैमेज कर देगा। इसीलिए हमें उसको खोलना है, किसी भी तरीके से खोलना है उसको। अगर नहीं खोलेंगे तो अगर हम नया लगाएंगे तो लगाने की कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर नया हम लगाएंगे अगर पुराना अंदर रह जाएगा वो तो डैमेज करेगा बाद में, हम क्यों लगाएं। दोस्तों उसको खोलना बहुत ज़रूरी है, आपको खोलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खोलेंगे तो बाद में ये दिक्कत करेगा, फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं आपको इसी वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है निकालना। देखिए हमने तो निकाल दिया, अभी नया हम डाल देंगे। दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की उसको निकालने के लिए, ऊपर से कंप्रेसर में हवा लोड करके ऊपर से मारा, वाल्व को ऊपर उठा के, फिर भी नहीं निकला। नीचे से वायर डाला फिर भी नहीं निकला। उसके बाद जाके मेरे को ये सब खोलना पड़ा। ये चार चार बोल्ट है, अब चार बोल्ट को खोलेंगे तो हाउसिंग बाहर आ जाएगा। एक एक हाउसिंग ऐसा जाम होकर रहता है ना, तो फट जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। जो इंटेक साइड है और साइलेंसर साइड का जो इंटेक और एग्जॉस्ट का जो हाउसिंग होता है ना एलुमिनियम का, वो कभी कभी इतना जाम होकर रहता है बाहर भी नहीं आता है, टूट जाता है लेकिन बाहर भी नहीं आता है। ये तो आसानी से निकल गया, इसीलिए मैंने खोल के उसको निकाल दिया। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। देख सकते हैं हमने उसको तो लगा दिया, अभी ये बटरफ्लाई को भी नया लगा दिया, अभी हम उसको पूरा फिट कर देंगे। देख सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है, अभी हम उसको पूरा फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा स्टार्ट करके कि इंजन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी हमने पेट्रोल में दे दिया है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ठीक से काम कर रहा है। देखिए दोस्तों इंजन स्टार्ट तो हो गया लेकिन उसका रेस कम नहीं हुआ, जितना रेस है वैसा ही रेस है, जितना रेस पहले था वैसा ही रेस अभी भी है। देखिए ये पीछे की तरफ आना चाहिए, जितना पीछे की तरफ आएगा इंजन इतना उतना ही स्लो होगा, लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं आता है। पीछे की तरफ अगर नहीं आता है तो गवर्नर ही ख़राब है और कुछ नहीं। अभी हमें गवर्नर को भी खोलना पड़ेगा, गवर्नर खोलने से ही हमें पता चलेगा कि इंजन के अंदर क्या हुआ है। देखिए दोस्तों ये इसमें सब कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चार बोल्ट है हाउसिंग चैम्बर में, जो ऑयल चैम्बर में जो चार बोल्ट लगा हुआ है 13 नंबर का, वही चार बोल्ट को ही हमें खोलना है, और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए हमने बिल्कुल खोल दिया है, अभी गवर्नर देखिए इसमें नहीं है। गवर्नर कहाँ गुम हो गया है, ऑयल चैम्बर में पड़ा है गवर्नर, खाली उसका ऊपर का हिस्सा बचा है, बाकी कुछ नहीं है। दोस्तों ये ज़्यादा पुराना हो गया था इसलिए टूट गया, नहीं तो उसका चिरा पिन टूटने से वो पूरा गवर्नर नहीं टूटता है। देखिए कितना टुकड़ा निकलता है अंदर से। दोस्तों ये इंजन ऑयल भी ख़राब हो गया है, इंजन ऑयल को भी चेंज करना पड़ेगा। पहले कस्टमर को पूछूंगा, अगर वो चाहेगा तो चेंज करने के लिए चेंज करेंगे, अगर नहीं चाहेगा तो वैसे ही लगा के छोड़ देंगे, हमें क्या दिक्कत है।
तो अभी हमें गवर्नर को खोलना है और खोल के हम नया लगाएंगे उसको। कैसे खोलना है बाहर से ही देखिए, खोलिए पहले 10 नंबर का बोल्ट खोलिए, उसका 10 नंबर का जो बोल्ट है जो लीवर में लगा हुआ है, गवर्नर का लीवर में लगा हुआ है, बटरफ्लाई के लीवर में, सबसे पहले उसको खोलना है। थोड़ा ढीला करो, ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं। अभी उसके बाद देखिए इसे पीछे की तरफ ले लो, अगर ये नहीं पीछे की तरफ नहीं लिया ना तो गवर्नर बाहर नहीं आएगा। गवर्नर को बाहर आने के लिए हम उसको पीछे की तरफ लेते हैं, उसके बाद ये 13 नंबर का बोल्ट खोलते हैं। 13 नंबर का बोल्ट खोलने के बाद ये उसका जो शाफ्ट है वो बाहर आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही खोलना है वैसे ही जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई भी आसानी से कर सकता है। जैसे ही खोलना है वैसे ही जोड़ना है, देखिए हमने नया लगा दिया है, उसमें नया हमने फिट कर लिया है। अभी देखिए सब कुछ बराबर है, गियर भी ठीक है, उसका गवर्नर भी घूम रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी हम उसको चैम्बर में बिठा देंगे। अभी उसको हम उसको पूरा पूरा टच करके रखिए दोस्तों, उसका जो लीवर है हम जिसको पीछे की तरफ दिया था उसको पूरा टच करके रखना चाहिए। अगर आपने टच करके नहीं रखा तो आपका इंजन स्पीड कम नहीं होगा, फिर से वही स्पीड होगा। आपका बटरफ्लाई सही है, आपका गवर्नर सही है, फिर भी आपका इंजन स्पीड रहेगा अगर वो टच होके नया ना रहा तो। ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही गवर्नर घूमता है ये उसको पीछे की तरफ खींचता है, ऐसे ही स्टार्ट होने के बाद वो पीछे की तरफ आता है लीवर, तभी इंजन स्पीड कम होता है। इस तरह से जाता है। अभी हम उसको पूरा चैम्बर में बिठा देंगे और उसके बाद हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि इंजन का रेस कम हुआ या नहीं ना हुआ। दोस्तों ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी हम उसका स्पार्क प्लग को चेंज करके देखते हैं, स्पार्क प्लग खराब हुआ होगा। अभी देखिए एक ही बार में स्टार्ट हुआ, इसका स्पार्क प्लग खराब था। अभी आप इंजन का रेस देख सकते हैं। दोस्तों आप जितना चाहे उतना स्लो कर सकते हैं, जितना चाहे उतना स्पीड कर सकते हैं, आपके हिसाब से। यहाँ पर है उसका स्पीड करने के लिए और कम करने के लिए, इसको जितना बढ़ाएंगे टाइट करेंगे उतना स्पीड होगा और जितना कम करेंगे उतना स्लो होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं।
दोस्तों मैंने तो पूरा ऐसा बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ अब मैं अपने यूट्यूब चैनल में, कोई भी देखेगा तो इंजन का काम सीख सकता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो भी सीख सकता है। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर भी मैंने दिया है, आप डायरेक्ट मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या हुआ है इंजन में, आपका इंजन में क्या हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम होता है। छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो मैं इंजन देखने के बाद ही बता सकता हूँ।